भारत और इंग्लैंड के बीच टीम अब 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए कमर कस चुकी है। वहीं सीरीज की शुरुआत 12 मार्च से हो जाएगी। सभी मुकाबले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाएंगे। अब T20 सीरीज के लिए भारत और इंग्लैंड दोनों टीमों में कुछ अलग चेहरे दिखाई देंगे। टेस्ट स्पेशलिस्ट क्रिकेटरों का काम अब खत्म हो चुका है, अब बारी T20 विशेषज्ञ की है। ऐसे में भारतीय टीम के प्लेइंग 11 उनका स्वरूप कैसा रहेगा, इसे लेकर भी जमकर कयास लगाए जा रहे हैं। मगर इन सबके बीच एक बात तय लग रही है कि वो टीम इंडिया के T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज का प्लेइंग 11 में चुना जाना, जिसका नाम इस प्रारूप को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज प्रदर्शन दर्ज है। बात दीपक चहर की हो रही है, जिन्होंने T20 मैच में टीम इंडिया के लिए सिर्फ 6 रन देकर 7 विकेट लेने का करिश्माई कारनामा अंजाम दिया था। दरअसल टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में दीपक चहर के खेलने की संभावना काफी अधिक है। चहर टीम इंडिया के T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज है। चहर ने 10 नवंबर 2019 को नागपुर में बांग्लादेश के खिलाफ 4 ओवरों में सिर्फ 7 रन देकर हैट्रिक समेत 6 विकेट हासिल किए थे। ये T20 इतिहास का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन है। चहर के अलावा टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज के तौर पर भुवनेश्वर कुमार को जगह मिल सकती है। इसके अलावा गेंदबाजी ऑलराउंडर के तौर पर हार्दिक पांड्या भी मौजूद रहेंगे। वहीं स्पिन विभाग की जिम्मेदारी युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर संभाल सकते हैं। वहीं मामला बल्लेबाजी का है, जो काफी पेचीदा नजर आ रहा है। शिखर धवन टीम में लौट चुके हैं, ऐसे में धवन और रोहित शर्मा ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। तीसरे नंबर पर खुद कप्तान कोहली उतरेंगे, जबकि चौथा स्थान केएल राहुल के जिम्मे आएगा। वहीं पांचवे नंबर पर सुरेश अय्यर और छठे पर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत उतरेंगे। वहीं सातवां और बेहद अहम स्थान हार्दिक पांडे के जिम्मे आने की उम्मीद है। ऐसे में लगता नहीं है कि सूर्य कुमार यादव अपना अंतरराष्ट्रीय करियर का आगाज करेंगे। वहीं अगर पहले T20 मैच की प्लेइंग 11 की बात करें, तो उसमें शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, सुरेश अय्यर, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, वॉशिंगटन सुंदर, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार और युजवेंद्र चहल खेलते हुए नजर आएंगे। खैर, आपकी क्या राय है पहले T20 की प्लेइंग 11 को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूलें। LD न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।